हम दो हमारे एक, ये नारा बंद कर, हम दो हमारे एक ये नारा नहीं चलेगा, हम दो हमारे आठ कम से कम का नारा चलेगा, हम दो हमारे आठ होंगे तो नारा ठीक रहेगा, इससे बढ़िया कोई दूसरा नहीं है। हम तो हमारा एक नहीं चलेगा, क्यों एक होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर महात्मा कौन बनेगा, और अगर एक हुआ और एक संत बन गया तो घर में डॉक्टर कौन बनेगा, परिवार को कौन चलाएगा, संसार कौन चलाएगा, संसार में कौन सहयोग करेगा। इसीलिए भारत में, भारत की परंपरा नहीं है हम दो हमारे, हमारे हमारे भारत की परंपरा है हम दो हमारे आप, क्योंकि हमारे यहां चाचा ताऊ होता है ना, एक में नहीं हो सकता चाचा ताऊ, तो इसलिए चाचा ताऊ होता है, छोटी बहन बड़ी बहन, ऐसा एक भरा पूरा चहल पहल वाला परिवार दिखाई देता है। तो अपने वास्तव में ये हिंदुओं की बड़ी समस्या है। और एक बात आपको याद दिला दे, अगर आपको कोई लगता है कि आपकी ताकत केवल एक को ही पाल दे, देखो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान से पूछोगे कितने बच्चे तो कहेगा 13, 12, 15, 20, और उनसे पूछोगे कैसे करेंगे तो कहते महाराज अल्लाह की खैर है, बोले इनका पालन पोषण कर, बोले अल्लाह करेगा, उनका अल्लाह इतना मजबूत और तुम्हारा भगवान ऐसा कर दो कि एक का पालन पोषण करने में इतनी दिक्कत होती है। तो मैं तो आपसे दूसरी बात कहता हूं, ये सारे संत मेरी बात को तैयार होते हैं, अगर आपको जितने बोझ लगते हो परिवार में एक से अधिक बच्चे सारे आश्रम में दे दो, और आश्रम में हम जिम्मेदारी देते हैं, आश्रम में बेटी हो बेटा हो हम रखेंगे आपको, अगर नहीं रखने में हिम्मत होती उसके लिए तैयार, लेकिन हमको दिखाओ हम तो हमारे आपको मिलने की जगह। इसीलिए हम सब ऐसा संगठन खड़ा करें, कि जो देश का प्रधानमंत्री हिंदू समाज तय करे, और ये हिंदू समाज जिसको तय करे वही केवल देश का प्रधानमंत्री हो, इसकी आगे की हम लोग अपने संगठन के प्रभाव से ऐसा करके दिखाए। अगर कोई हमको मानवता का पाठ पढ़ाना चाहे, और अगर हमको कोई समाज में सद्भाव का पाठ पढ़ाना चाहे, तो ये पहले वो स्वयं पाठ पढ़ के आए, हमारे संस्कार में है, हम किसी का बुरा करते नहीं, हम किसी का बुरा सोचते नहीं, और हम किसी के बुरे के बारे में विचार भी करते नहीं, हम तो केवल विचार करते हैं, तो सद्भाव का विचार करते हैं, और ये विचार करते हैं वसुधैव कुटुंबकम्, मेरा पूरा सृष्टि मेरा परिवार है, ये केवल विचार करते हैं, तो केवल हिंदू करते हैं, दूसरा कोई।